बिलासपुर रूट में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर से गुजरने वाली ट्रेनें लगातार रद्द हो रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। आज हम बिलासपुर कटनी रूट में स्थित बिलासपुर से लगे हुए उसलापुर स्टेशन आए हैं और यहाँ जानेंगे कि यहाँ के यात्री कितना परेशान हो रहे हैं। भैया, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा सुरेश कुमार, कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहा हूँ। इस बीच लगातार ट्रेनें रद्द हुई हैं। इस टाइम तो लॉन्ग टूर वाले रद्द नहीं हुए हैं, जो अपना लोकल ट्रेन है वो रद्द हो रही है ना। हाँ, दिल्ली वाले कोई ट्रेनें रद्द नहीं हुई अब तक तो। अब तो नहीं तो लोकल ट्रेनें, लोकल जो यात्री हैं उनको परेशानी हो रही होगी। वो तो बिल्कुल हो रही होगी, जो रद्द हो रहा है तो उनको तो परेशानी हो रही जैसे होगी। आप रायपुर जाते होंगे या कहीं आसपास हाँ अटनी हाँ कट। बिल्कुल सर, जो जाते होंगे उनको तो होती होगी, परेशानी तो हो गई होगी। सर मैं मनगढ़ का हूँ। मनेजगढ़ पे क्या दिक्कत आ रही है बताओ। मैं 8 बजे से यहाँ बैठा हूँ। 8 बजे ट्रेन थी तो उसी के आशा से आया था, अभी तक बैठा हूँ। और मेरे को तो अब 60 साल की उम्र में फ्री टायर के अलावा मेरे को जनरल बोगी में हिम्मत नहीं है जा पाऊँ। अच्छा 63 साल चल रहा है मेरा, हाँ, अब मैं कैसे जाऊँ? मेरा तो कुछ देख के चक्कर मार रहा है। लगातार ट्रेन रद्द हो रही है ना, तो बिल्कुल हो रही है सर, अब क्या बताएं। हाँ रोज ही कर रहे हो ऐसा? नहीं रोज नहीं, मैं आज कर रहा हूँ। मैं तो मनगढ़ का रहने वाला अच्छा, हूँ, परसों आया था, आज वापसी है। कौन तो सी ट्रेन मैं बिलासपुर, चिरमिरी बिलासपुर से आया था, इसमें जाना से? अच्छा ललन जी, ये बताइए कि ट्रेन रद्द हो रही है बहुत ज्यादा अभी, तो परेशानी होती है? था। हाँ आम पब्लिक को तो परेशानी हो रही है। हाँ हो रही है ना? कभी हो रही ऐसा है, हुआ कि ट्रेन पकड़ने आया ट्रेन रद्द हो गई? कभी कभी तो होता है। तीसरी रेल निकल रही है तो उसके लिए तो होना ही, दोहरीकरण हो रही है रेल, तो उसको समय चाहिए ना बनाने के लिए। हाँ इसलिए रद्द करना पड़ रहा है शासन को। तो अच्छा जब तक रद्द नहीं, ट्रेन रद्द नहीं होगी, विद्युतीकरण नहीं हो पाएगी। बंधवा पारा में विद्युतीकरण चल रही है तीसरी रेल की, उस कारण से हो रही उस है। कारण से हो आप रहा मतलब कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है? संतलाल संतलाल, अभी ट्रेन बहुत ज्यादा वो हो रही है, रद्द हो रही है, जी तो आप लोग लगातार आते जाते हो, परेशानी होती है? परेशानी था, ये है क्या परेशानी होती है? टाइम से ट्रेन नहीं मिल पा रहा। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि यहाँ आए और ट्रेन रद्द मिली? कई बार हुआ है रद्द, क्या क्या हुआ? नर्मदा एक्सप्रेस रद्द हो गया। अब सुबह निकले हैं यहाँ, पता चला कि रद्द है। अच्छा तो दिक्कत आती है, जी क्या दिक्कत ट्रेन बोलूँ। मतलब रद्द होने से क्या समस्या आ रही है? अभी बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों का। अभी तो काम धाम तो बोल रहा है ठीक से चल रहा है, हल्का पुल्का है, मध्यम है, लेकिन उतना ज्यादा हम लोगों का रोजी रोटी नहीं निकल पाता है, नहीं निकल पाता है। नहीं निकल पाता है, ट्रेन कम आ रही है जा रही है, पहले टाइप का नहीं रहा। पहले ट्रेन तो पहले से ज्यादा बढ़ चुका है, पर भी से अभी थोड़ी सी हम लोगों का मतलब रोजी रोटी ये करने में थोड़ा सा कमी टाइप का महसूस ट्रेन होता है। चलना कम हो गया है ना, रद्द हाँ हो रही है हाँ तो ज्यादा। ट्रेन लोकल ट्रेन अभी रद्द हुआ है। हाँ उसका कारण, लोकल ट्रेन रद्द हो रही है उसके कारण परेशानी हो रही है क्या? बहुत बड़ी परेशानी है, क्या हो रही है बताओ। जो भी मैंने लोकल पैसेंजर आते हैं सामान लेकर आते हैं, वो सामान नहीं ला पाते। हाँ अच्छा तो आप लोगों का कामकाज प्रभावित हो बहुत गया? प्रभाव पड़ता है, बस यही राजमिस्त्री का काम करते हैं। राजमिस्त्री का काम करते हैं। अभी ट्रेन वेन बहुत रद्द हो रही है अच्छा जी। मालूम है, हाँ हाँ लोकल लोकल ट्रेन बहुत रद्द हो रही है। लोकल में नहीं जा रहे हैं अच्छा, तो अभी हाल फिलहाल में दिक्कत आई है ट्रेन यात्रा में? अभी तो फिलहाल नहीं आया जी, कोई दिक्कत नहीं आया। तो इस तरह बिलासपुर के पास जो उसलापुर स्टेशन है उसका जब हमने जायजा लिया और इस रूट से कटनी रूट की ओर जाने वाली ट्रेनों का जायजा लिया, तो यहाँ बहुत सारी ट्रेनें लगातार रद्द हो रही है, उसका सीधा खामियाजा यहाँ के पैसेंजर को भुगतना पड़ रहा है। पैसेंजर परेशान है और बहुत हद तक इस क्षेत्र में काम काज करने वाले कूली भी परेशान है। उनका ये कहना है कि उनकी रोजी रोटी भी प्रभावित हो रही है ट्रेनों के परिचालन कम होने के कारण। विशाल कुमार झा, IBC 24, बिलासपुर।